राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज आप इस वीडियो को अपने स्वास्थ्य के लिए पूरा जरूर देखें और यदि आपके यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, एक बार आचार्य गुरु भ्रमण करते हुए एक गांव से निकल रहे थे, तब वह विश्राम के लिए उस गांव में रुक जाते हैं। उन्हें रुका हुआ देखकर उस गांव के कई लोग उनके पास प्रवचन सुनने के लिए पहुंचते हैं। उस गांव के लोगों की एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि वह लोग बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ते थे। खासकर मित्रों, कुछ ऐसे लोग थे जो घुटनों के दर्द से परेशान रहा करते थे। इसलिए लोगों ने उन गुरु से आग्रह किया कि वह कोई उन्हें ऐसा तरीका बताएं जिससे उनका स्वास्थ्य सही हो सके और वह कभी भी बीमार न रहे। तब मित्रों, इसके बाद आचार्य गुरु उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन अनेक बीमारियों और जोड़ों के दर्द से जूझते रहते हैं? मां, प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, उसी तरह यह माँ प्रकृति भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। मित्रों, आचार्य गुरु कहते हैं कि आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो माँ प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देखिए, हम सभी इन चीजों की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए, ऐसी कोई दवा मिल जाए जिसे खाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सके, हमें कोई बीमारी ना हो और वह हमारे स्टैमिना को बढ़ाएं, हमारी ताकत को बढ़ाएं और हमें हर बीमारी से दूर रखें। इसके अलावा वह चीज ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए और हम उसे आसानी से खरीद पाए। भक्तों, आज एक ऐसे ही अनमोल आयुर्वेदिक औषधि के बारे मैं आपको इस प्रसंग के माध्यम से बताऊंगा, जिसका सेवन करके आप दोस्तों अपने अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं और वह आयुर्वेदिक औषधि है मेथी। दोस्तों, मेथी के पानी के बहुत ही ज्यादा लाभदायक फायदे हैं, इन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके लिए आपको इस प्रसंग को अंत तक अवश्य देखना है। दोस्तों, आज की इस प्रसंग मैं आपको सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने के फायदे तो बताऊंगा ही बताऊंगा और उसके साथ में इसको खाने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को खाने का सही तरीका पता ना हो तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। मित्रों, मेथी में कई गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, के, सी, फोलिक एसिड, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और अनुकूलन करते हैं। और मेथी में फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है जो पाचन को सुधारती है और आहारी की संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और यह एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। और मेथी का सेवन खाने की सुरक्षा में मदद करता है और मधुमेह के प्रबंधन में भी सहायक होता है। फिर आचार्य गुरु कहते हैं कि मैं सबसे पहले आपको मेथी का पानी सुबह भूखे पेट पीने से कौन सी बीमारियों से हम जीवन भर दूर रह सकते हैं और उसके बाद मित्रों आपको हम बताएंगे कि आपको मेथी का पानी कैसे सेवन करना है जिससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ हो सके। मेथी यह कहीं बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक मेथी का पानी पीते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं आश्चर्यजनक फायदे होंगे। और मित्रों, मेथी में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। मित्रों, मेथी का पानी पीने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप मेथी का पानी पीने खाली पेट सुबह सुबह पीते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। दोस्तों, ये हमारे छोटी आंत को स्वस्थ रखता है जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है। मित्रों, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं जिससे आपको फूड प्वाइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है।
और ना ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको मेथी का पानी पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। मेथी का पानी आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर दोस्तों आचार्य गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन पैदा होती है जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि मित्रों इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं। और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन मित्रों आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन में खराबी होने से। मित्रों लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि दोस्तों कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा, शुगर, बीपी। अगर आप रोज मेथी का पानी पीने से आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा मेथी का पानी आपके वजन को भी कम करता है। अगर दोस्तों आप मोटापे के शिकार हो तो निमित्त सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना शुरू कर दो, आपका मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। मित्रों मेथी शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा पेट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। और मेथी का पानी डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अगर आप डायबिटीज के शिकार हो तो आप नियमित आधा कप मेथी का पानी पी लीजिए, आपको डायबिटीज से छुटकारा मिल जाएगा। और मेथी का पानी पीने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। मेथी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दोस्तों दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। और मित्रों आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही मेथी आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मित्रों मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। और मेथी में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, और जिससे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर आचार्य गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों मेथी का पानी हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है, और मित्रों यह रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सबको मेथी का पानी पूरी तरह से खत्म कर देती है, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि मेथी खून को पूरी तरह साफ करती है। मित्रों इसके अलावा मेथी के बहुत सारे फायदे हैं। यदि मेथी का पानी को आप शहद के साथ मिलाकर पीते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। जैसी भी खांसी हो तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा, वह भी हमेशा के लिए। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो मेथी का पानी बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो मेथी के अंदर एकाग्रपाई यानी कि फूलों का मोर होता है। अगर दोस्तों उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। मेथी का पानी मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है।
यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ ले, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी पचाता है। और मित्रों, यदि आप आधा कप पानी नियमित पीते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी दुर्गंध नहीं होगी, आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उन सबको तीसरा औषधीय गुण बताते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय गुण है कि यदि मित्रों आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो मेथी का पानी का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। मित्रों, आपको बता दें कि मेथी का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है, इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप मेथी का पानी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए, और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। और यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस मेथी का पानी को यदि पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। मित्रों, ये पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। मित्रों, मेथी में एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं, और मेथी में विटामिन ए, बी, सी और ई का अच्छा स्रोत है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। और मेथी आयरन से भरपूर होता है, इसके 100 ग्राम में लगभग 6.1 मिलीग्राम आयरन होता है। मित्रों, मेथी में पाए जाने वाले यौगिकों में संभावित कैंसर विरोधी गुण पाए जाते हैं, जो कैंसर की संभावना को हमेशा के लिए रोक देते हैं। और मेथी में रोगाणुरोधी गुण पाए गए हैं, जो विभिन्न बैक्टीरिया और कवक के विकास को रोकते हैं। दोस्तों, मेथी और उनके आवश्यक लाभ यह है कि वे सूजन कोशिकाओं के खिलाफ कार्य कर सकते हैं। जब इन्हें त्वचा के फटने, जलने और खरोंच जैसी बाहरी सतही चोटों पर लगाया जाता है तो वे घाव भरने की गतिविधि दिखा सकते हैं। मेथी से प्राप्त आवश्यक तेल का उपयोग क्रीम और अन्य फॉर्मुलेशन में किया जा सकता है, जो धूप से सुरक्षा, त्वचा को चमकदार बनाने और रूखी त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए प्रभावी हो सकता है। मेथी का तेल त्वचा की समस्याओं जैसे फोड़े, फूंसी, खुजली, दाद, एथलीट फुट आदि से निपटने में भी सहायक होता है। दोस्तों, इसकी पत्तियां न केवल खाने में एक अलग स्वाद और खुशबू जोड़ देती हैं, बल्कि आपकी सेहत को भी बहुत सारे फायदे देती हैं। इसके औषधीय गुणों के कारण अब मेथी को अलग अलग तरह से भी प्रयोग किया जाने लगा है, जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल बालों और डिटॉक्स वाटर के रूप में किया जा रहा है। पर क्या आप जानती हैं कि मेथी के पानी से आपको कई लाभ मिल सकते हैं? दोस्तों, मेथी का पानी सेवन आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, और इसका सेवन डायबिटीज को कंट्रोल करने, स्किन में नेचुरल ग्लो लाता है और बालों की ग्रोथ में भी मददगार साबित होता है। बेहतर लाभ के लिए आप इसे सुबह खाली पेट ले सकती हैं। दोस्तों, मेथी एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और बीमारी से उबारने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने और बीमारी पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से एलडीडीडी अचने में मदद करते हैं। इसका सेवन हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना जरूरी है। दोस्तों, सुबह खाली पेट 7 से 8 मेथी के दाने को चबाने के बाद एक ग्लास पानी पी लेना चाहिए। और दोस्तों, मेथी में पोषण तत्व अच्छी मात्रा में मौजूद रहते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों के रोशनी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे दूर तक देखने की क्षमता भी बरट जाती है। मेथी उम्र के साथ होने वाले आंखों की कमजोरी से भी बचाता है। यदि आपको आंख की रोशनी कम हो रही है तो आपको खाना खाने के बाद मेथी के पानी का सेवन करना चाहिए, और आप इसे सुबह खाली पेट शहद के साथ भी ले सकती हैं। और दोस्तों, मेथी में मौजूद कार्मिनेटिव गुण गैस और सूजन जैसे कारकों को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इससे मॉर्निंग सिकनेस की समस्या में भी आराम मिलता है। यदि आपको मितली आती है तो खाली पेट इसे चबाने से आपको राहत मिल सकती है। सुबह इसका सेवन मॉर्निंग सिकनेस और मितली को दूर करने में कारगर है।
साथ ही साथ दोस्तों मेथी में मौजूद घटक एंटी ओबेसिटी और लिपिड कम करने वाले प्रभाव मोटापे से लड़ने में मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखते हैं। मित्रों, यह तरीका वजन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। सुबह खाली पेट 5 से 6 मेथी के दाने चबाने के बाद हल्का गर्म पानी पीना बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु चौथा औषधीय फायदा बताते हैं कि यदि मित्रों आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो मेथी का पानी का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। मित्रों, आपको बता दें कि मेथी का पानी रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है, इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप मेथी का पानी का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करें। भारतीय वेदों में मेथी का नाम सर्वर रोग निगरानी रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला। और मित्रों, मेथी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें यह 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है, यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि हम मेथी के पानी का सेवन करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है, और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। मेथी की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है, और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। और मेथी का फायदा है कि हमें त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों मेथी में एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। यह ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। इसके अलावा रोजाना मेथी का पानी पीने से इम्यूनिटी पावर बनती है, क्योंकि मेथी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। दोस्तों, मेथी में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो कि उसको बेहद खास बनाते हैं और बहुत ही हेल्दी भी बनाते हैं। यह न सिर्फ आपके डाइजेशन को सुधारने में आपकी मदद करता है, बल्कि यह आपके शरीर की सूजन को भी कम करता है, जो कि जॉइंट पेन के लिए एक बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और फास्फोरस और मैग्नीज वगैरह, ये आपकी हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूती भी देते हैं। मित्रों, यह मिनरल्स आपकी बोनस को हेल्दी रखते हैं और उन्हें मजबूत भी बनाते हैं, जो कि जॉइंट पेन को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों, मेथी के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, और फाइबर इसके अंदर होता है, जो कि जॉइंट पेन को कम करने में काफी ज्यादा सहायक होते हैं। मित्रों, अब आप ये समझिए कि इस मेथी को कैसे इस्तेमाल करना है। मेथी को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे लगभग 50 ग्राम या करीब 1 मुट्ठी के आसपास मेथी। अब इनको लेकर आप 1 गिलास पानी में 10 से 12 घंटे या फिर रात भर आप इसको भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर इस भीगाए हुए बार को, यानी इस भीगे हुए मेथी को आप एक बर्तन के अंदर डालिए और इसको 10 से 15 मिनट तक आप उबाल लीजिए। मित्रों, जब यह पानी के अंदर उबलने लग जाए तो इसे आप आग से उतार लीजिए और ढककर लगभग 5-6 घंटे के लिए आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। दोस्तों, लगभग 6 घंटे के बाद इस पानी को छान लीजिए और बस आपका मेथी वाले वाटर है, मेथी का पानी है, वो तैयार है। इस पानी को आप रोजाना दिन में 1 टाइम पीजिए, और यह 1 टाइम पीना आपके जोड़ों के दर्द और आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, और साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। वैसे दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा आपको, इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के क्रॉनिकल से पीड़ित हैं या बहुत लंबे समय से कोई दवाई ले रहे हैं, तो आपको पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए कि क्या आप इससे मेथी के पानी को ले सकते हैं या नहीं। साथ ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो ऐसे में भी आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए कि क्या यह आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मित्रों, सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने से हर उम्र के लोगों को फायदा मिलता है,
और डायबिटीज, किडनी स्टोन और लिवर से जुड़ी समस्याओं में मेथी का पानी रामबाण माना जाता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों के इलाज में औषधि के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, मेथी के पानी में घुलनशील डाइट्री फाइबर की मात्रा होती है और फाइबर पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मेथी में मौजूद गुण अपच, कब्ज, ब्लोटिंग जैसी परेशानियों को दूर करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। खाली पेट एक गिलास मेथी का पानी नियमित रूप से पीने वाले लोगों को पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का खतरा कभी नहीं होता है। और मित्रों, शुगर के मरीजों के लिए मेथी का पानी किसी औषधि से कम नहीं होता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से वजन कंट्रोल में रहता है और ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में फायदा मिलता है। दोस्तों, आज की प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।